जैसा कि अभी मुझे ज्ञात हुआ है, अभिषेक जी से जानकारी प्राप्त हुई है कि आप सारे लोग, जिन लोगों ने पीएससी का एग्जाम दिया था, आप सब लोगों ने प्रीलियम्स निकाल लिया है और आप लोगों की मेंस की भी एग्जाम की डेट इन लोगों ने, स्टेट गवर्नमेंट ने निकाल दी है। इस विषय में एक पीआईएल डायरेक्टली दायर की जा सकती है हाईकोर्ट में, क्योंकि ये मैटर अगर देखा जाए तो सारे लोगों से मास से रिलेटेड है, क्योंकि ये लोगों ने जो अभी एग्जाम की डेट निकाली है और दो दिस मैटर इज पेंडिंग इन द हाईकोर्ट। ये अभी अल्ट्रा वायरस का मैटर है हाईकोर्ट में, सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 ऑफ द एमपीपीएससी एक्ट को चैलेंज किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि एससी एसटी या फिर रिजर्व कैटेगरी का जो भी कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये विषय ऑलरेडी चल रहा है, जब एक विषय पेंडिंग है उसी के साथ में ये लोगों को मेंस के एग्जाम की डेट नहीं निकालनी चाहिए थी। इसके लिए पीआईएल दायर की जा सकती है और मैं पर्सनली जो है चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और अपने मैटर को लिस्ट करा के उनसे इस चीज को स्टे करने के लिए प्रे करूंगा। प्रेयर अपनी मेक यही करनी पड़ेगी कि साहब किसी भी तरह से मेंस की कोई एग्जाम ना करें, ना कंडक्ट करें, क्योंकि अगर मेंस का एग्जाम कंडक्ट होगा तो बाद में हॉचपॉच होगा, कंफ्यूजन होगा, जो आदमी सिलेक्ट हो गया उसको हटाएंगे, जिसको नहीं हुआ उसको रखेंगे। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए इसमें पीआईएल दायर की जा सकती है। मेरे हिसाब से इसमें स्टेक हो जाएगा, क्योंकि हम अगर दबाव से और मास एकजुट होकर अगर हम ये बात बताएंगे कोर्ट के सामने कि सर दिस मैटर रिलेट्स टू द मास और हम अपने पॉइंट को वैलिड तरीके से रखेंगे, तो मेरे हिसाब से न्यायालय इसमें जो है कन्विंस होगी और हमें इस मैटर में रिलीफ मिलेगी।